आज हम लेकर आए हैं बहुत सॉफ्ट और खास्ता ठेकुआ रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलिए। हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए नए नए रेसिपी लाते रहें। ठेकुआ बिहार का फेमस रेसिपी है और इसे कहीं कहीं खजूरी भी कहा जाता है। छठ पर्व में ज़रूर बनता है, लेकिन उस समय गेहूं के आटे का ठेकुआ बनता है और हम आज मैदा और सूजी का ठेकुआ बनाएंगे। तो चलिए ठेकुआ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम कटोरी से नाप कर 2 कटोरी मैदा ले लेते हैं। इसी कटोरी से हम सब चीज़ को नाप कर डालेंगे। तो यहाँ हम 2 कटोरी मैदा ले लिए हैं और 1 कटोरी से कम हम सूजी लिए हैं, 1/2 कटोरी के लगभग। इसे भी हम इसमें डाल देते हैं और 1 कटोरी चीनी ले लिए हैं जो हम मिक्सर में ग्राइंड कर लिए हैं। अगर आपके पास बारीक चीनी है तो चलेगा, लेकिन हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिए हैं। 1 कटोरी इसमें डाल देते हैं और ये नारियल का पाउडर ले लिए हैं जिसे हम घर में ही ग्राइंड कर लिए हैं। आप चाहें तो बाज़ार से भी नारियल पाउडर मंगा सकते हैं। और हम यहाँ ले लिए हैं 5 से 6 इलायची जो कि हम दाना निकाल कर कूट लिए हैं और इसमें हम डालते हैं। और यहाँ हम 1 चम्मच सौंफ ले लिए हैं, इसे भी हम डालेंगे। इससे भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें लेंगे 1 कटोरी से कम, 1/2 कटोरी के लगभग घी डालेंगे इसमें। आप चाहें तो इसमें रिफाइन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी से स्वाद इसका और ज़्यादा अच्छा आता है। आप तलने में रिफाइन तेल यूज कर सकते हैं, लेकिन मैदा में घी ही डालें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। आप चाहें तो नारियल आपको नहीं पसंद है तो उसे नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन नारियल डालने से खास्ता और टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए हम डालते हैं इसमें। अच्छी तरह से इसे हम मिलाएंगे, बिना पानी डाले ही हम इसे अच्छी तरह से पहले मिलाएंगे। और ज़्यादा घी नहीं डालें इसमें, ज़्यादा घी डालने से भी हमारा ठेकुआ टूट जाएगा तलने में, इसलिए सब नाप कर ही डालें। तो देखिए यहाँ हम अच्छे से सब चीज़ को मिक्स कर लिए हैं। जितने अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा से ठेकुआ हमारा सॉफ्ट और खास्ता बनेगा। तो देखिए हम इस तरह से चेक कर लेंगे, ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, पूरा आटा मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। रोटी के आटा जैसा इसे गूंथना नहीं है, सिर्फ मिक्स करेंगे। थोड़ा सा और पानी हम ऐड करेंगे और फिर से इसे हम मिक्स करेंगे। देखिए इसे गूंथना नहीं है, इसी तरह से भड़भड़ा रहने देना है। तो ये देखिए इस तरह से टाइट हम मैदा को सान लिए हैं और इसे हम ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो तुरंत इसे बना भी सकते हैं और 10 मिनट छोड़ भी सकते हैं। तुरंत बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम क्योंकि इसमें हम खड़ा चीनी नहीं डाले हैं कि पानी छोड़ेगा, ग्राइंड करके डाले हैं, ये पानी नहीं छोड़ेगा। आप चाहें तो इसे अभी जस्ट भी बना सकते हैं। तो यहाँ 10 मिनट हो चुका है, अब देखते हैं। ये देखिए इतना ही टाइट गूंथना है इसे। अब इसे हम इस तरह से गोल गोल कर लेंगे। आप साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से कर लेंगे। और आपके पास सांचा है, ठेकुआ बनाने वाला सांचा भी आता है, तो सांचा से भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम इसे इस पर इस तरह से करके बनाएंगे। आप चाहें तो इस तरह से भी छान सकते हैं, लेकिन हम इसका शेप देंगे चम्मच की मदद से, इस तरह से शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से शेप दे देंगे।
आप चाहें तो सांचा की मदद से भी बना सकते हैं। और एक ये हम डब्बा का ढक्कन ले लिए हैं, इसमें चटाई का सेप है तो हम इसमें भी एक सेप दे सकते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम इसे छान सकते हैं। तब तक हम इधर ठेकुआ को बनाते हैं और उधर हम तेल को गरम कर लेते हैं। ये देखिए दोनों तरह के डिजाइन का हम ठेकुआ को बना लिए हैं। अब इसे हम तलने जा रहे हैं, तो इसे हम एकदम लो फ्लेम पर तलेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं तलेंगे, एकदम मध्यम आंच पर इसको हम पकाएंगे। हाँ, नहीं तो ऊपर से लाल हो जाएगा और अंदर से हमारा ठेकुआ कच्चा ही रह जाएगा, इसलिए इसे एकदम लो फ्लेम पर ही बनाना है। देखिए ऊपर से सारा ठेकुआ ब्राउन कलर के हो गया है। अब हम इसे एक एक करके पलट लेंगे अच्छे से। याद रहे इसे मध्यम आंच में ही पकाएंगे। देखिए सारे ठेकुआ को हम दूसरी तरफ पलट लिए हैं, अब इसे भी हम लो आंच में पकने देंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ से ब्राउन हो चुका है हमारा ठेकुआ, अभी लगभग तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देखिए कितना देखने में भी खास्ता लग रहा है, इसे अच्छी तरह से हम निकाल लेते हैं एक एक करके। तो ये देखिए सब ठेकुआ को हम निकाल लिए हैं, इसी तरह से हम सारे ठेकुआ को तल लेते हैं। और अगर ठेकुआ तलते समय टूटने लगे तो बिल्कुल भी मत घबराएं, गूथे हुए मैदा में थोड़ा सा और मैदा मिला करके अच्छी तरह से मिला लीजिए और फिर ठेकुआ बनाइए, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और अच्छे से बन जाएगा ठेकुआ। देखिए हमारा ठेकुआ बनकर तैयार है। ये चटाई का सेप है जो कि तलने से उतना पता नहीं चल रहा है, और ये जो हमने इसका सेप दिए थे ये है। हम इसे आपको तोड़ के दिखाते हैं कितना सॉफ्ट और खास्ता बना है। ये देखिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार बना के ज़रूर देखिए।